ग्राम पंचायत में खड़े हैं, जहाँ पे शांति आश्रम जिसको वृद्धा आश्रम कहा जाता है, आज मदर डे के उपलक्ष्य में जहाँ पे समाज के लोग इस दुनिया की सबसे ताकतवर महिला का नाम है माँ, आज वही उन महिलाओं के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं जिनके रिश्तेदार मर गया है, मगर ये जो चैरिटी यहाँ पे है उन्होंने इसे परिवार का रूप दिया है। ममताई माँ के लिए समर्पित दिन मदर डे। इस दिन माँ का महत्व, माँ की महिमा, माँ के लिए बहुत कुछ कहा जाता और सुना जाता है समाज में। माँ चूल्हे में तपकर, पिता धूप में तपकर अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। माँ की हमेशा त्याग बलिदान की कहानी सामने आती है। लेकिन इसका एक पहलू यह भी है, शांति धारा जो वृद्ध आश्रम बमोड़ी में इस बेसहारा अपनों से ठुकराए वृद्ध लाचार माताओं को शांति धारा आश्रम में सहारा दिया गया। ये एक ऐसी माँ है जिनका समाज में कोई सुध लेने वाला नहीं। सच ही कहा है किसी ने, एक माँ अपने 10 बच्चों को पालने का दम रखती है, लेकिन वहीं 10 बच्चे अपनी एक माँ को नहीं पाल सकते। गीता रहने वाली कहाँ से? गीता वाली दमुआ। हाँ दमुआ। अच्छा आपके परिवार में कौन कौन है? जब परिवार सब खत्म होगा, कोई नहीं, एक छोटा लड़का है उसको भी छोड़ के आते हैं। लड़का क्या करता है? अपने यही डगारक काम करता है। तो आपको देखरेख, आपकी देखरेख नहीं करता? बाप बाप भी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब मर गए। यशोदा भाई जी, आप यहाँ कब से? मेरे को 20 तारीख को भर्ती कर। आप कहाँ के रहने वाले? छिंदवाड़ा। आपके परिवार में कौन कौन? कोई नहीं सर, 2 बच्चे खत्म हो गए, 1 आदमी खत्म हो गए, 1 बेटा है। बेरोजगार हूँ, मेरा कुछ नहीं कर रहा। रिश्तेदार हो गया? रिश्तेदार साहब कोई नहीं पूछते सर आज के जमाने। यहाँ तक अपनों से टुकराई हुई वृद्ध लाचार माताओं को शांति धारा आश्रम में वृद्ध माँ को सहारा मिला। पिछले लगातार 7 वर्षों से सिस्टर आप चैरिटी द्वारा वृद्ध आश्रम का संचालन किया जा रहा है। यहाँ 30 बिस्तर वाले सर्व सुविधा युक्त आश्रम में वर्तमान अपनों से ठुकराई 12 माताएं मौजूद हैं। आश्रम के लोग इनको परिवार का प्रेम, नाश्ता, चाय और स्वास्थ्य की व्यवस्था बनाने में जुटे रहते हैं। धन्य है यह समाज, धन्य है सिस्टर ऑफ चैरिटी जो अपनी लगातार सेवा दे रहे हैं। विपिन श्रीवास्तव, ये ग्राम भमोड़ी का निवासी हूँ। सिस्टर ऑफ चैरिटी के द्वारा 7 वर्ष पूर्व यहाँ पर ये शांति धारा वृद्धाश्रम की शुरुआत की गई थी, और यहाँ पर आप जैसा देख रहे होंगे कि बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, और ये 30 बेड का है, यहाँ पर 30 लोगों को यहाँ पे रखा जा सकता है। शुरू में यहाँ पुरुषों को भी रखा जा रहा था, लेकिन कुछ परेशानियों के कारण अभी केवल महिलाओं को ही रखा जा रहा है जो 60 वर्ष से अधिक आयु की है, जिनका कोई भरण पोषण करने वाला नहीं है, या अथवा मान लीजिए उनके परिवार के लोग उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको यहाँ पर ये रखते हैं शांति धारा वृद्धाश्रम में। उनके खाने पीने की व्यवस्था, उनके इलाज के, उनके स्वास्थ्य की सब यहाँ पर संस्था के द्वारा किया जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो अलग अलग जगहों से महिलाएं आई हैं, और वो बहुत अच्छा यहाँ पे महसूस करती हैं, और निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे सिस्टर्स ऑफ चैरिटी द्वारा किया जा रहा है। स्वामी जी के बारे में आपने सुना होगा आकाशम, तो स्वामी जी की अभी एक इच्छा था, उनका पास जमीन था, तो बोला हम आपको हेल्प करेंगे, जमीन दे देंगे। तब हम लोग का बड़ा मदद ने बताया, यही हम लोग का एक आशा है, एक दूसरा इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, मेनली लेडीज के लिए। तब स्वामी जी ने जाएगा लैंड दिया, जमीन दिया, फिर हम लोग तुरंत काम चालू किया।
वो तो अभी 2015 में जून महीने में शुरू किया, अभी उद्घाटन मकान का उद्घाटन हुआ, तो तब से मरीज लोग, उस समय थोड़ा जेंट्स भी था, मैंने बूढ़ा लोग भी था, कोई नहीं था, तो तब बाद में कुछ एक साल के बाद में कोई मरा है, उसके बाद में मेरा जेंट्स को नहीं ले रहा, तभी तब से चल रहा। दो सिस्टर लोग बदल होता है, किंतु उनके मध्य भी दूसरा सिस्टर आते हैं।